गाइज, आज मैं आपसे एक ऐसी प्रोडक्ट शेयर करूंगी जिससे आपकी बहुत सारी पैसों का बचत होने वाली है। यस गाइज, मैं बात कर रही हूँ काइव की, ये फेशियल स्पंज की। तो ये मेनली जो है आपकी फेशियल डर्ट्स को क्लीन करने के लिए, जब भी आप फेस वॉश करते हो, फेस वॉश के टाइम आप इस तरह से आपकी स्किन पर इसे रब कर सकते हैं आपकी स्किन से डर्ट्स को क्लीन करने के लिए। एक्चुअली हम बॉडी पर लूफा यूज़ करते हैं, फेस पर लूफा यूज़ नहीं कर सकते, तो दैट इज़ इंस्टेड ऑफ लूफा आप इसे फेस पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेनली आपकी स्किन की डर्ट्स को रिमूव करने के लिए, फेस वॉश के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं, जो माइल्डली स्क्रबिंग का काम करेगी, साथ ही साथ स्किन की जो सरफेस है उसे स्मूथ करेगी। नाउ इसके अनादर एक यूज मैंने डिस्कवर किया एंड मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, एंड आपको भी बहुत ही अच्छी लगेगी गाइस, काफी यूजफुल लगेगी, दैट इज मेकअप रिमूविंग स्पंज। तो हम मेकअप रिमूव के लिए क्या करते हैं, कोई भी कॉटन बॉल या फिर कॉटन पैड यूज करते हैं, एंड जिस पर हमें काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करना होता है। जब भी कॉटन पैड या फिर कॉटन बॉल ख़त्म हो जाती है तो हमें उसे परचेस करना पड़ता है, बट इंस्टेड ऑफ कॉटन बॉल या फिर पैड आप इसे यूज़ कीजिए। ये रीयूजबल है, यस, आप आपकी सिंपली मेकअप रिमूवर को इसमें लीजिए एंड आपकी मेकअप को इससे रिमूव कीजिए। बहुत ही अच्छी से आपके मेकअप को रिमूव कर देगी, एंड आप इसे वॉश कर लीजिए आपके फेस वॉश या फिर क्लेंजर से। वॉश करने के बाद इसे सुखा लीजिए एंड अगेन आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये रीयूजबल है, आपकी काफ़ी सारी पैसों की बचत करेगी, आपको अभी कोई भी कॉटन बॉल या फिर कॉटन पैड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं आपकी स्किन पर एज ए लूफा, एज ए क्लेंजर, एज अ स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है गाइस, काफ़ी स्मूथ है आपकी स्किन पर, आप जब इसे स्क्रब करेंगे ना तो काफ़ी आपको रिलैक्स भी फील होगा। तो आज ही इसे सिमसिम से बाय कीजिए गाइस, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, इसकी लिस्ट आपको नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।